नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य छौ नृत्य के बारे में। दोस्तों छौ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जन्म स्थान झारखंड का सरायकेला जिला को माना जाता है, हालांकि इसका दावा मयूरभंज और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला भी करते हैं। दोस्तों इसका एक कारण है, जो ये तीनों जगह है सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, यह तीनों का जो सीमा है वो आपस में साझा करते हैं, तीनों आपस में पड़ोसी जगह हैं, जिसके कारण ये तीनों जगह छौ नृत्य का जन्म स्थान होने का दावा करते हैं। छौ नृत्य का प्रदर्शन भारत के विभिन्न जगहों के अलावा विदेशों में भी किया जाता है। छौ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों सरायकेला के एक राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, उसके द्वारा यूरोप में 1938 ईस्वी में छौ नृत्य का आयोजन करवाया गया था। यूनेस्को ने 2010 ईस्वी में छौ नृत्य को विरासत नृत्य में शामिल किया है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने 2010 ईस्वी में छौ नृत्य को विरासत नृत्य के सूची में शामिल किया है। अब जानते हैं छौ नृत्य की कुछ विशेषताएँ। दोस्तों इस नृत्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है, और छौ नृत्य के कलाकार पात्र के अनुसार मुखौटा धारण करते हैं। इस नृत्य में कलाकार अनोखे भेष धारण करके कलात्मक व तेज अंगचालन के द्वारा बिना संवाद किए नगाड़े और धमसे की धुन पर अभिनय करके कथा को समझाते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं छौ नृत्य की मुख्यतः दो धाराएं होती हैं, एक है हथियार धारा और दूसरी है कालीभंग धारा। दोस्तों हथियार धारा क्या होती है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों हथियार धारा जो है इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, और इस धारा के नृत्य में केवल युद्ध दिखाए जाते हैं। जो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे जैसे महाभारत, रामायण या जितने भी पौराणिक कथाओं में युद्ध हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हथियार धारा के अंतर्गत दिखाया जाता है। दूसरी धारा जो है कालीभंग धारा, यह एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष महिलाओं के वेष में नाचते हैं और महिलाओं की तरह डांस करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, और इसमें श्रृंगार को दिखाया जाता है कालीभंग धारा में। दोस्तों छौ नृत्य के लिए कुछ प्रसिद्ध कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, तो उन कलाकारों के नाम जानना भी काफ़ी जरूरी है। तो पहला है राजकुमार सुधेंदु, दूसरा है नारायण सिंधु, तीसरा है केदारनाथ साहू, चौथा श्यामचरण पति, पाँचवा है मंगलाचरण पति, छठा मकरध्वज दरोगा और सातवां है पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये जो नाम है ये छौ नृत्य से संबंधित हैं, तो इसको याद जरूर रखिएगा, खास करके ये झारखंड के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। एक बार फिर से नाम रिपीट कर देते हैं, राजकुमार सुधेंदु, नारायण सिंधु, केदारनाथ साहू, श्यामचरण पति, मंगलाचरण पति, मकरध्वज दरोगा, पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, ये सभी व्यक्ति छौ नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र सिल्ली की स्थापना 2011 ईस्वी में की गई है। तो इसको यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र सिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 2011 ईस्वी में की गई है, और हाल ही के वर्षों में यहाँ पर एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज कराया गया है कि एक बार में सर्वाधिक छौ नर्तक एक साथ सिल्ली में डांस किए हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।